हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है फिर से ट्रिकी लिमिट्स। सिलसिला जारी है, इससे पहले भी आपको हम कई ट्रिकी लिमिट्स बता चुके हैं। आज हम लोग फिर एक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, देखिए क्या फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला इसलिए देख लेते हैं कि जब आपको प्रॉब्लम दें तो आप डायरेक्ट आंसर सोच पाए वीडियो के दौरान ही, ठीक है ना। मैं किसी अंधेरे में आपको नहीं रखना चाहता, ये नहीं कि पहले मैं प्रॉब्लम देके फटाफट आंसर लिख दूं, आप चौंक जाइए कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, और फिर आपको मैं फॉर्मूला बताऊं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, देखिए क्या होता है। फॉर्मूला है लिमिट, लिमिट बहुत आसान है, इजी है। देखिए यहां लिमिट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स टू द पावर एन टू द पावर एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ वन प्लस वन डिवाइडेड एक्स रेस टू पावर एन एंड होल टू पावर एक्स, और उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए क्या है। रिजल्ट है यहां पर e, ये तब होगा इफ n इक्वल टू वन, n जो है एक के बराबर हो जाए, और इसी का जवाब आपको वन है इफ n इज ग्रेटर देन वन है, और इसी का जवाब आपको इन्फिनिटी है इफ n ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन आपको वन है, ठीक है। इस तरह का आपको प्रॉपर्टीज दे दिए, आपको फॉर्मूला दे दिए। अब इस फॉर्मूला पे आधारित अगर प्रॉब्लम दिया जाए तो हम देख के डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते। मान लीजिए किसी ने हमसे प्रॉब्लम किया लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एंड वन प्लस वन बाय एक्स टू द वन प्लस वन बाय एक्स होल रेस टू पावर एक्स, है ना। तो क्या है यहां वर कीजिए, एन की जगह कितना आ गया वन, और जिस वक्त एन वन है तो आंसर क्या बताया गया है ई, तो सीधे ई लिख दिए। और अगर हमको प्रॉब्लम ऐसे दिया लिमिट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स टू द पावर फाइव और यहां टोटल टू द पावर एक्स दे दिया, है ना, होल रेस टू पावर एक्स, तो ये दे दिया यहां कितना आ जाएगा जवाब, सोच के देखिए। ये फाइव है, ग्रेटर देन वन है, और ग्रेटर देन वन के केस में आपको जवाब क्या सिखाए हैं वन, तो जवाब आप यहां वन लिखिए। यहां सिक्स हो सेवन हो एट हो कुछ भी एक से ज्यादा अगर रहेगा, चाहे थ्री बाई टू ही क्यों ना हो जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब क्या होना है वन होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए लिमिट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर वन बाय थ्री ऐसे दे दिए, है ना, और इस टोटल पर पावर अब एक्स है। अब यहां देखिए एन की जगह क्या आ गया वन बाय थ्री, जो कि जीरो से तो ज्यादा है लेकिन वन से कम है, जीरो से ज्यादा है लेकिन वन से कम है, तो इस स्थिति में, है ना, और यहां आपको ये दे दिया एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका जवाब आपको क्या होना है, इसका जवाब होना है इन्फिनिटी। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो अब आपको हम इस पर प्रॉब्लम देते हैं। मान लीजिए अगर यहां पर आपको 2x कर दे तो यहां ई स्क्वायर हो जाएगा, कोई टफ काम नहीं है, बड़ी आसानी से लिखा जाए। इस पर हम पहले भी एक प्रॉपर्टी आपको सिखा चुके हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग। अब एक और तरीके का क्वेश्चन थोड़ा समझिए, ठीक है ना, एक और तरह के प्रॉब्लम को अगर आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से ट्रिक आपको मालूम चल जाएगा। एक देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और यहां पे आपको दे दिया वन प्लस साइन एक्स, या मानिए यहां क्यूब रूट दे दिया वन प्लस साइन एक्स, और फिर यहां प्लस
वन माइनस साइन एक्स दे दिया और फिर इसमें भी आपको क्यूब रूट ऐसे लेके चाहे मानिए यहां माइनस दे दिया, माइनस क्यूब रूट, हो सकता है कि क्यूब रूट के जगह पे आपको सीधे स्क्वायर रूट भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय एक्स दे दिया, ठीक है ना। अब इसका हमको जवाब जानना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कितना, सो देखिए इसका जवाब डायरेक्ट हमको लग रहा है कि 5/6 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये हमको सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्या कैसे जवाब लिख सके। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1+x^2, ठीक है ना, यहां अगर n है या माइनस भी यहां है, तो जब x हमारा बहुत छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा टर्म नहीं लेते हैं, हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं। जब x का वैल्यू बहुत छोटा हो, एक से कम हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हायर पावर को छोड़ देते हैं। तो ये रिजल्ट बस बच जाता है 1+ -nx, 1+ -nx बच जाता है। तो अगर आप ध्यान दें, इस रूल का फायदा उठाएं, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये जो क्यूब लगा है इसका मतलब क्या है, 1+sin x/1/3, एन की जगह क्या आ गया बताइए आप ही, 1/3। तो हम क्या लिखेंगे, 1+1/3 साइन एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। और ठीक उसी तरह 1 ये जो है माइनस साइन एक्स, अगर इस पर पावर, ये रूट छुप है यहां, रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, तो क्या लिखेंगे 1-1/2 साइन एक्स लिखेंगे कि नहीं। जब इसको घटाएंगे तो ये 1-1 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 अब माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 1/3 देख लीजिए, गौर करिए, इस पूरे के बदले आपको सिखाए कि 1+1/3 साइन एक्स लिख दीजिए सीधे सीधे, अब -1 -1/2 साइन एक्स लिख दीजिए और टोटल के नीचे आपको एक्स है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और देखिए ये 1-1 कैंसिल हो जाएगा, इसको एड करिएगा तो 5/6 साइन एक्स बाय एक्स ये नीचे वाला, और इतना तो पता है आपको क्या होता है 1, तो जवाब क्या हो गया 5/6, देखिए वही आंसर था, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां कहीं भी आपको ऐसा भेंट हो तो आप उसको इसी पैटर्न से सॉल्व कीजिए। तो हमको लगता है कि ये सब ट्रिक आपको बहुत मजेदार लगा होगा, तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम आपको देकर के छोड़ देते हैं जिसका जवाब आप सब, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको हम प्रॉब्लम कुछ दे दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहां प्रॉब्लम है आपको, फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1+1/x^3 (x = what). दूसरा क्वेश्चन है आपको लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1+2/3 ऐसे दे दिया और इस पर x = what। तीसरा क्वेश्चन है आपको लिमिट x टेंस टू जीरो और इसमें आपको हम दे दिए 5√(1+sin x), ठीक है ना, और उसके बाद यहां आपको दे दिए -1 -1 अच्छा हम प्लस भी दे दें तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना, और यहां पर आपको दे दें 4√(sin x) और टोटल के नीचे आपको फिर एक्स है, ठीक है ना। ये तीन प्रॉब्लम आपके लिए दिए हैं, ये तीनों प्रॉब्लम का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना कमेंट मिलता है हम समझते हैं कि बच्चे उतने ही बेहतर तरीके से वीडियो को देखा है, ठीक है। सो कमेंट खूब कीजिए, जब भी वीडियो देखें तो जरूर कमेंट कीजिए कि दिए हुए प्रश्न का जवाब आप वहां देंगे तो थोड़ा हमको लगता है कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। सो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, जय हिंद।